अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन फैंटेसी कुकिंग। आज हम एनएक्स की फूड फैक्ट्री की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है, इसमें एक वारंटी कार्ड है और एक यूज़र मैनुअल है। तो जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए से हमारी कुकिंग ईजी हो जाएगी और इसको हम अपने किचन में यूज़ करके इसमें रेसिपीज़ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें तीन तरह की कटिंग डिस्क हैं जिसके ज़रिए से आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को स्लाइसेस में कट कर सकते हैं या कद्दूकश कर सकते हैं। इसके साथ ये मिक्सिंग के लिए हमारे पास टूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम केक के लिए बैटर तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास सिट्रस जूसेस के लिए है, जैसे हम ऑरेंज वगैरह का जूस बनाते हैं तो इसको हम यूज़ करते हुए जूसेस बना सकते हैं। इसके साथ एक जूसर ब्लेंडर है और इसके अंदर हम ड्रिंक्स, शेक्स, जो भी हम बनाना चाहते हैं, स्मूदीज़, जो भी हम लाइक करते हैं वो बना सकते हैं। इसके अंदर स्पाइसेस को ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडर है और ये है इसका चॉपर। इसके तीन चार फंक्शंस हैं, हम इसमें कीमा मिंस कर सकते हैं और स्लाइडर, श्रेडर और कटर के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें आटा और डो वगैरह भी गून सकते हैं जो हमने बेकिंग के लिए यूज़ करनी है पिज़्ज़ा बनाते हुए। और ये है इसकी मशीन, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर इसके फंक्शंस देखते हैं। इसमें तीन तरह के स्पीड एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, जो इसकी फंक्शन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। हम आपको इसको यूज़ करके दिखाते हैं। इसके पावर प्लग को हमने प्लग इन कर दिया है और इसको ऑन कर लिया है तो आप इसके फंक्शंस को देख सकते हैं। मिंसर की स्पीड 1 से 3 तक है, नीडर की 1 है, श्रेडर की 1 से 3 तक है और विस्क की 1 है। इसके साथ साथ ब्लेंडर, स्लाइसर, ग्राइंडर और सिट्रस जूस के सारे फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। तो इसने हमारे किचन के काम को बहुत आसान कर दिया है। अब हम इसके साथ कीमा बनाकर आपको दिखाएंगे और बहुत क्विकली इसको हम कीमा बना सकते हैं। इसमें आपने इसको सेट करते हुए देख लेना है कि इसका राइट साइड पर हैंडल आएगा और जब इसको फिक्स करेंगे तो इसके अंदर हम ये एक नॉब लगाएंगे। देन उसके बाद इसके ऊपर लगेगा एक कटर जो मिंसर के तौर पे यूज़ होगा कीमा बनाने के लिए। इसको सेट करने के बाद आपने इसके लिड को क्लोज़ कर देना है और लिड को क्लोज़ करते हुए इसकी नोब एग्जैक्ट उसके साथ अलाइन होनी चाहिए इसके हैंडल के साथ। और इसको फिक्स करते हुए आपने देख लेना है कि इसका लॉक बना हुआ है। ये दूसरी साइड को भी लॉक हो जाता है लेकिन आपने इसको हैंडल को राइट साइड पर रखना है। अगर लेफ़्ट साइड पर आप इसको रख कर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, तो आपने इसको राइट साइड पर हैंडल को रखना है, इससे ये लॉक हो जाएगा और प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। देन इसके बाद ये वर्क कर सकता है। इसके साथ फिक्स कर देंगे। Thank you.
ये हमारा कीमा बारीक हो चुका है, हम इसको ओपन कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल रेशा रेशा जैसा हो गया है। तो हमें ऐसे ही फॉर्म में चिकन चाहिए था। तो आप ही चाहें जल्दी से जाकर एनएक्स की फूड फैक्ट्री परचेज करें और अपने किचन को बनाएं आसान। अल्लाह हाफिज़।